खिलौनों के कार से तो हम सबने अनेकों बार खेला होगा। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग चाल से भागने वाली इन खिलौनों की कारों में क्या अंतर हो सकता है? ये बात तो लगभग हम सब जानते हैं कि जो तेज भाग रही है या जिसकी चाल बहुत तेज है, वह कार निर्धारित समय में ज्यादा अंतर पार करेगी बजाय उस कार के जो धीरे धीरे चल रही है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो तेज जाने वाली कार धीरे जाने वाली कार से जल्दी पहुंच जाएगी। चाल चाहे जो भी हो, उसमें अंतर और समय निहित रहता है। जल्द गति का अर्थ बहुत दूर तक या बहुत अधिक अंतर या फिर जल्दी या कम समय में ऐसा हो सकता है। अपनी चाल को दुगना करने का अर्थ होता है दिए हुए समय में हमारे द्वारा पार किए गए अंतर को दुगना करना। चाल को दुगना करने का अर्थ दिया हुआ अंतर पार करने के लिए समय को आधा करना यह भी है। अगर समय स्थिर है तो चाल अंतर के साथ सीधे अनुपात में होती है, और अगर अंतर स्थिर है तो चाल समय के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाल को एक और तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। समय के साथ अंतर में होने वाले परिवर्तन के दर को चाल कहा जाता है। किसी भी वस्तु की चाल को नापने के लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि वह वस्तु कितनी दूर गई है और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। दूर और जल्द, इन शब्दों का संदर्भ जल्द से है। मान लीजिए हम मुंबई से पुणे कार चलाते हुए गए हैं। कार से यह लगभग अंतर 150 किलोमीटर है। अगर यह सफर पूरा करने के लिए हमें 3 घंटे लगे, तब हमारी चाल क्या थी? अगर हम ऊपर दिए हुए सूत्र का उपयोग करें तो V is equal to S, T is equal to 150 किलोमीटर, जिसे हम 3 घंटे से भाग देंगे और हमारा उत्तर होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सूत्र का उपयोग करें तो यह उत्तर मिला। पर क्या आपको लगता है कि यह उत्तर ठीक है? क्या आपने पूरा सफर निरंतर एक ही चाल में किया होगा? कभी कभी तो आपकी गति भी बदली होगी। इसी कारण ऊपर दिए हुए अंक को हमारी कार की गति या चाल नहीं कह सकते। ये हमारे पूरे सफर की औसतन गति या चाल कही जाएगी। जिस वस्तु की कोई गति या चाल न हो, उसकी भी शून्य गति या चाल मानी जाती है। इसके विपरीत कार का स्पीडोमीटर जो गति या चाल दिखा रहा है वह तात्कालिक है, अर्थात बहुत कम अंतराल के लिए जो गति या चाल हो तत्क्षण। इसी कारण किसी भी वस्तु की गति या चाल पता लगाने के लिए हमें यह पता होना जरूरी है कि वह कितने दूर तक पहुंची है और वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगा। तब एक होशियार व्यक्ति ही पूछेगा, कितने दूर से आपका तात्पर्य क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं दूरी या फिर विस्थापन? इस उत्तर के रूप में आप जो भी चुनाव करते हैं वह यह बताता है कि आप किसकी गणना कर रहे हैं, चाल या फिर वेग की। औसतन चाल यह अंतर में समय के साथ आने वाले परिवर्तन को कहते हैं। औसतन वेग यह विस्थापन में समय के साथ आने वाले परिवर्तन को कहते हैं। जिस प्रकार दूरी और विस्थापन एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से चाल और वेग भी एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल आदिश है और वेग सदिश है। चाल हमें बताती है कि हम कितना तेज गए, वेग हमें बताता है कि हम कितना तेज और किस दिशा में गए। इकाई चाल और वेग को एक ही इकाई में नापा जाता है। दूरी और विस्थापन की एसआई इकाई मीटर है और समय की एसआई इकाई सेकंड है। चाल और वेग की एसआई इकाई उन दोनों का अनुपात है। मीटर प्रति सेकंड, हमारे रोजमर्रा की बोलचाल में हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से नापते हैं। अंतर की किसी भी इकाई का समय की किसी भी इकाई के साथ अनुपात चाल की इकाई होता है। जहाजों की, हवाई जहाज की और रॉकेट्स की चाल को नॉट या समुद्री मील में आंका जाता है। एक समुद्री मील एक नॉटिकल मील प्रति घंटा होता है, जो 0.544 मीटर प्रति सेकंड में के बराबर होता है। सबसे कम चाल सबसे अधिक अंतराल के लिए नापी जाती है। महाद्वीपीय प्लेटें धरती की सतह पर सरकती हैं। भौगोलिक रूप से इनकी चाल बहुत ही धीमी होती है। ये 1 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष या फिर 1 से 10 मीटर प्रति शताब्दी इस चाल से सरकती है। यह चाल हमारे नाखूनों के या फिर बालों के बढ़ने की गति के समान है। अनेकों बार किसी वस्तु की चाल का वर्णन किसी अन्य वस्तु की चाल के संदर्भ में बताया जाता है। अधिकतर बार यह कोई भौतिकी घटना होती है, जैसे प्रकाश की चाल को एक शून्य के आधार पर परिभाषित किया जाता है। और ऐसा करते समय प्रकाश की एसआई इकाई 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड है। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जो 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। और घोंगे की चाल सबसे धीमी होती है, उसकी गति 0.4
0.13 प्रति सेकंड से अधिक धीमी अर्थात 0.0028 प्रति सेकंड तक भी जाती है। वेग यह एक आदिश परिमाण है क्योंकि इसमें दिशा के बारे में हम सजग रहते हैं। इसी कारण किसी भी वस्तु के वेग का मूल्यांकन करते समय हमें दिशा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यह कहना काफी नहीं होगा कि किसी वस्तु का वेग 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके साथ हमें उसकी दिशा के बारे में भी जानकारी देनी होगी, तभी हम कह सकते हैं कि हमने वेग के संबंधित सारी बातों की पूर्तता की है। इसी कारण हमें वस्तु के वेग के बारे में बताते हुए यह कहना होगा कि वस्तु का वेग पूर्व दिशा की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही चाल और वेग के बीच का सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। चाल आदिश परिमाण है जिससे दिशा के बारे में नहीं बताया जाता है। वेग सदिश परिमाण है जिसमें दिशा के बारे में बताया जाता है। चलिए अब फिर से एक बार भौतिकी विज्ञान की अध्यापिका की गति के बारे में बात करते हैं। अध्यापिका 4 मीटर पूर्व की ओर, 2 मीटर दक्षिण की ओर, 4 मीटर पश्चिम की ओर और अंत में 2 मीटर उत्तर की ओर चलती है। यह सारी गति 24 सेकंड के लिए टिकती है। अब हमें इनकी औसतन चाल और औसतन वेग बताना है। भौतिकी की अध्यापिका 12 मीटर का अंतर 24 सेकंड में पूर्ण करती है। इसी कारण उनकी औसतन चाल 0.50 मीटर प्रति सेकंड है। चूंकि उसका विस्थापन 0 मीटर है इसलिए उनका औसतन वेग 0 मीटर प्रति सेकंड है। याद रखें विस्थापन का अर्थ स्थान में परिवर्तन होता है और वेग स्थान के परिवर्तन में आधारित होता है। अध्यापिका की गति की बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन 0 मीटर है, इसी कारण उनका औसतन वेग 0 मीटर प्रति सेकंड है। वेग 0 हो सकता है पर चाल कभी 0 नहीं हो सकती। त्वरण जब किसी वस्तु का वेग बदलता है तब उस वस्तु की गति को त्वरित गति कहते हैं। वेग में समय के साथ जो परिवर्तन है उसके दर को त्वरण कहते हैं। गिरता हुआ फल गति बदलता है, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी कार गति बदलती है, परिक्रमा करता हुआ ग्रह भी गति बदलता है। जब भी किसी वस्तु की चाल बढ़ती है या घटती है या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन आता है उसे त्वरण कहते हैं। वेग के समान ही त्वरण भी 2 प्रकार के होते हैं, औसतन और तात्कालिक। औसतन त्वरण लंबे कालांतर को निर्धारित करता है। लंबे इस शब्द का अर्थ यहाँ सीमित समय यह है जिसे आरंभ है और जिसका कोई अंत है। इस अंतराल की आरंभ के वेग को प्रारंभिक वेग कहा जाता है जिसे VO इस संकेत से दिखाया जाता है। अंतराल के अंत के वेग को अंतिम वेग कहा जाता है जिसे V इस संकेत से दर्शाया जाता है। औसतन त्वरण इन दोनों वेगों के नापों की गणना से प्राप्त होता है। त्वरण की गणना करते हुए समय हम वेग को समय से भाग देते हैं। इकाई के बारे में बात करें तो मीटर प्रति सेकंड को सेकंड से भागा जाता है। अंतर को समय के साथ 2 बार भागना यह अंतर को समय के वर्ग के साथ भागने के बराबर हुआ। इसी कारण त्वरण की SI इकाई मीटर प्रति वर्ग सेकंड है और एक आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली त्वरण की इकाई गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है जी। हम सब गुरुत्वाकर्षण का हम पर और हमारे आसपास की वस्तुओं पर होने वाले परिणाम के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यह त्वरण के तुलनात्मक अभ्यास का एक सुविधाजनक मापदंड है। हर वस्तु 1 ग्राम पर सामान्य वजन की लगती है, 2 ग्राम में यह दुगनी भारी लगती है और 0 ग्राम पर यह वजन हीन महसूस होती है। इस इकाई का अपना एक निश्चित और निर्धारित मूल्य है जो 9.800665 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है, पर हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए हम 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का इस्तेमाल करते हैं जो पर्याप्त है, और 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड की इकाई हम जल्द आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पनारी से गेंद का नीचे आना, बच्चों का बगीचे में फिसल पट्टी से नीचे आना, रुकी हुई कार का शुरू होना और अपनी गति को बढ़ाना या फिर कार का रुक जाना, ये सारे त्वरण के उदाहरण हैं। सारांश, आज हमने वस्तु के वेग और त्वरण के बारे में पढ़ा। इसे आलेख में किस प्रकार लिखना है यह हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। चुनौती, एक गेंद टीले से फिसल कर नीचे आती है, इसके बारे में नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य योग्य है? अ, उसकी चाल बढ़ती है और उसका त्वरण बढ़ता है। आ, उसकी चाल घटती है और उसका त्वरण बढ़ता है। ई, दोनों समान रहते हैं और ई, दोनों कम होते हैं।